सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे खींचतान के बीच शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बातचीत की है। यह बात गुरुवार देर रात हुई और दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत गुरुवार को शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसी दौरान संजय राउत ने अपने फोन से पवार की बातचीत उद्धव ठाकरे से कराई। दोनों नेताओं के बीच फोन पर ऐसे वक्त बातचीत हुई है जब शिवसेना और भाजपा में सरकार बनाने को लेकर पेच फंसा है। विधानसभा में 288 सीट वाले महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले के आधार पर भाजपा को समर्थन देना चाहती है। शिवसेना का कहना है कि पहले 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मंत्रिमंडल में भी आधे मंत्री शिवसेना के होने चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर शिवसेना चाहे तो महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बना सकती है। लोगों ने 50-50 के आधार पर सरकार बनाने के लिए जनमत दिया है। लोग शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहते हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में शिवसेना को भाजपा के साथ बिना सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के पास 44 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का ऐलान किया हुआ है। उधर एनसीपी के नेता नवाब मलिक का कहना है कि जनता ने भाजपा और शिवसेना को स्थिर सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। हम चाहते हैं कि भाजपा शिवसेना सरकार बनाए और बहुमत साबित करे। अगर वो इसमें सफल नहीं होते हैं तो हम निश्चित तौर पर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे।